खरगोन जिले में पुलिस महकमे को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके अंतर्गत खरगोन जिले के महेश्वर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन क्रिकेट के सटोरियों के यहां पर दबिज देकर मौके से 15,72,000 का सामान सहित करीब 95 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे T20 क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। SP शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित कर पुलिस ने सशस्त्र धारा रोड पर 2 मकानों में दबिश देकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 68 मोबाइल, 11,500 रुपये नगद सहित 6 TV, 10 सेटअप बॉक्स, 6 लैपटॉप, 2 Wi-Fi राउटर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। इन सट्टेबाजों ने मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी नेटवर्क फैला रखा था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, किस प्रकार की कार्रवाई? खरगोन जिले के अंतर्गत हमें हमारे पुलिस महानिरीक्षक इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्रा साहब और उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तिलक सिंह जी के माध्यम से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि क्रिकेट का सट्टा जगह जगह पर प्रारंभ हो रहा है। इस सूचना पर हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसने जगह जगह पर थाना क्षेत्रों में रेकी कर गोपनीय रूप से क्रिकेट का सट्टा चलाए जाने वालों की जानकारी संकलित की और इसकी पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर थाना महेश्वर में सहस्त्र धारा जलकुटी रोड स्थित एक मकान को दबिश के लिए चयनित किया गया। दबिश के दौरान जब वहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर बड़ी मात्रा में क्रिकेट का 2020 का सट्टा लिखते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनसे अलग अलग लगभग मोबाइल, इसमें जो इनके पास जो कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की और उन्हीं की जानकारी के आधार पे उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक अजय सोनी के मकान पर जब दबिश दी तो वहाँ पर अन्य 9 लोगों को भी क्रिकेट का सट्टा लिखते हुए पकड़ा गया। इतना बड़े व्यापक पैमाने पे इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उस पर इनको तत्काल हिरासत में लिया गया और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया सर? इसमें कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे लगभग 15,72,000 रुपये की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसमें 6 TV है, सेटअप बॉक्स 10 है, लैपटॉप 6 हैं, 68 मोबाइल फोन से और वाईफाई राउटर से डोंगल 2 हैं, कम्युनिकेशन सेटअप बॉक्स जो है स्पेशली चाइना मेड है ये 5 जब्त हुए, मोटरसाइकिलें जब्त हुई 5 और टैबलेट मोबाइल्स अलग 3 जब्त हुए। सर, इनका संबंध कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह से भी पता चलता है? ये तो अनुसंधान में ही बताया जा सकेगा, किंतु जब इनके टोटल इनके डॉक्यूमेंट्स और इनके पास से बरामद दस्तावेजों की जानकारी ली गई तो लगभग 95 लाख का सट्टा उतारने का इनका जो लेखा जोखा पाया गया है, जो कि जाहिर है कि इनके संबंध जो है राज्य स्तरीय और बाहर भी होना संभावित। सर, महेश्वर में अन्य जगह कहीं इस प्रकार की और गतिविधियां चल रही हैं, ऐसी सूचना है पुलिस? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना तो नहीं है, ये सूचना होती तो इसके साथ साथ वहां पर भी दबिश होगी। सर, पुलिस यहां तक पहुंचने में काफ़ी लेट हो गई? नहीं, यह कहना गलत है, पुलिस सही समय पर सही जगह दबिश दी है। चूँकि किसी भी घटना की, किसी भी अपराध की सूचना पर उसको वेरीफाई करके ही दबिश दी जा सकती है। किसी के घर में दबिश देने से पहले उसके पुख्ता हम लोग जानकारी तस्दीक कर प्रमाणित पाए जाने पर उसमें कार्रवाई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।